इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय हेपाटाइटस। हेपाटाइटस की वजह से जिगर के ऊपर सोजिश आ जाती है। हेपाटाइटस की सबसे बड़ी वजह वायरल इन्फेक्शन, ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल और कसरते शराब नोशी की वजह से होता है। हेपाटाइटस की कॉमन टाइप्स में हेपाटाइटस ए, बी, सी, डी और ई हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मूनलाइट टू रीच अर्थ? इसका राइट आंसर है 1.3 सेकेंड्स। 1.3 सेकेंड्स में चांद की रोशनी जमीन पर पहुंचती है और सूरज की रोशनी 8 मिनट और 20 सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है। अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इसका राइट आंसर है ब्रेन। अल्जाइमर डिजीज की वजह से ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की सोचने समझने की सलाहियत और याददाश्त कमजोर हो जाती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? इसका राइट आंसर है 1235 किलोमीटर पर आवर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन? इसका राइट आंसर है 73%। इंसानी दिमाग में 73% पानी मौजूद हो। डेंगी फीवर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फीमेल मॉस्किटो? इसका राइट आंसर है एईडीज एजेप्टाई। एईडीज एजेप्टाई जो फीमेल मच्छर है उसकी वजह से डेंगू बुखार होता है। मेटाकार्पल बोन्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? इसका राइट आंसर है हैंड। हमारे हाथ में जो उंगलियों से पीछे वाला हिस्सा जिसे हम हथेली भी कहते हैं, उसकी हड्डियों को मेटाकार्पल बोन्स भी कहते हैं। यहाँ ये आप ये ब्लू वाला हिस्सा जो है ये मेटाकार्पल बोन्स है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज? इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर आयरन है। ऑक्सीजन जो सी है उसकी मिकदार 46% है। विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन द विलाई हमारी छोटी उंगली जैसा स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। After fertilization, a fruit develops from which part of the plant? Fertilization के बाद पौधे के किस हिस्से के ऊपर फल लगता है? इसका right answer है ovary. Ovary पौधे का वो हिस्सा है जहां पर fertilization के बाद फल पैदा होता है। Yeast is essential in making of bread because it produces. Diameter of Jupiter is dash times more than the diameter of Earth. इसका right answer है 11 times. जुपिटर का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 11 गुना ज्यादा है। द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस इज कॉल्ड? इसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ओजोन की लेयर बहुत मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआएं जमीन तक पहुंच रही हैं, जिससे जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ एग इज अ, इसका राइट आंसर है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होता है जिसको इसकी दोबारा असल हालत में वापिस लाना नामुमकिन होता है, इसलिए बॉयल किए हुए एग को उसकी असल हालत में वापस लाना नामुमकिन है, इसलिए हम इसे केमिकल चेंज कहेंगे। हु रिप्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन रिप्रेजेंट की थी। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? इसका राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल के तहत वॉशिंग मशीन काम करती है, और ड्रायर मशीन जिसे कपड़ा सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल के तहत काम करता है। एन अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज? इसका राइट आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। विटामिन सी हम सिट्रस फ्रूट्स मसलन के ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी वगैरह से हासिल कर सकते हैं। The device which converts solar energy into electrical energy is called solar cell. Solar cell को photovoltaic cell भी कहते हैं। Which is used as moderator in atomic reactor? Heavy water. Heavy water को atomic reactor में nuclear reaction के दौरान neutron की speed को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Amnesia is related to loss of memory.
एमनीसिया एक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान अपनी याददाश्त खो देता है। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ आई इज यूज, इसका राइट आंसर है कॉर्निया। आई डोनेशन में इंसानी आंख का कॉर्निया वाला हिस्सा डोनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, इसका राइट आंसर है वेन्स। ब्लड वेसल्स जो जिस्म से दिल की जानब खून लेकर जाती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं, और वो ब्लड वेसल्स जो दिल से जिस्म की जानब खून लेकर जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। विच वाइटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी, इसका राइट आंसर है वाइटामिन डी। वाइटामिन डी इंसानी जिस्म सूरज की रोशनी से हासिल करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी लाहक हो जाती है। व्हाट इज H5N1, इसका राइट आंसर है वायरस। H5N1 एक वायरस है। द स्ट्रक्चर इन अ सेल विच कंटेन्स द जीन्स इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है क्रोमोसोम्स। फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन, इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी खुराक जो सी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं, उसमें डाइजेस्ट होती है। द पार्ट ऑफ आई डेट अलाउ अस टू फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड लेंस, हमारी आंख का वो हिस्सा जो हमें मुख्तलिफ चीजों पर फोकस करने की सलाहियत देता है उसे हम लेंस कहते हैं। द प्रोसीजर ऑफ शटरिंग द गॉल स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स बाय शॉक वेव्स इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा अमल है जिसमें शुआओं की मदद से गुर्दों की पथरी को खत्म किया जाता है। विच पार्ट ऑफ बॉडी रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, इसका राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिसकी वजह से कम रोशनी और रात के वक्त इंसान को देखने में मुश्किल पेश आती है। क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू, इसका राइट आंसर है 400 डिग्री सेल्सियस। क्रूड ऑयल जिसे हम खाम तेल भी कहते हैं, इसको फर्नेस में 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट अप किया जाता है, फिर इसमें से पेट्रोल डीजल और सुपर पेट्रोल वगैरह हासिल किए जाते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी एंड सोर्स ऑफ अर्थक्वेक्स, इसका राइट आंसर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जलजलों की शिद्दत और इसके सोर्स का पता मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और रेक्टर स्केल जो के जलजलों की मकदार मसलन के 3.7 4.7 कितनी शिद्दत का जलजला था उसको नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स, इसका राइट आंसर है 6। इंसानी कानों में 6 हड्डियां होती हैं, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, टोटल 6 हड्डियां होती हैं, और सबसे छोटी हड्डी भी कान में पाई जाती है। कोलेरा इज यूज्ड बाय, इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। कोलेरा जिसे हैजा भी कहते हैं बैक्टीरिया की वजह से होता है। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर ऑब्जेक्ट्स का वेरी लो टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और वो डिवाइस जो हाई टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे पायरोमीटर कहते हैं। टाइफाइड इज द डिजीज ऑफ, इसका राइट आंसर है इंटेस्टाइन। टाइफाइड एक इंटेस्टाइन की बीमारी है। व्हाट इज द हेयरिंग रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर, इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं जिसम पर कट लगने के बाद खून को जमाने में मदद फ्राहम करते हैं। Which of the following planet is known as morning star? इसका right answer है Venus. Venus को morning star भी कहते हैं। The lifespan of a red blood cells is, इसका right answer है 120 days. Red blood cells का lifespan 120 days है और white blood cells का lifespan 5 to 21 days है। Deficiency of vitamin C is causes diseases. इसका right answer है scurvy. विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी लाहक हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म पर स्पॉट्स बन जाते हैं, इसके अलावा दांतों की बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं।
द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर है गीगल मोलर काउंटर। इन आवर सोलर सिस्टम विच प्लैनेट्स रोटेट्स फास्टर ऑन इट्स एक्सिस और हैज अ शॉर्टेस्ट डे टाइम, इसका राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर जो कि अपने एक्सिस पर सबसे तेज घूमता है और इसका सबसे छोटा दिन होता है, इसका एक दिन 10 घंटे का होता है। इसके अलावा वीनस का एक दिन 243 दिन का होता है और ये अपने एक्सिस पर सबसे ज्यादा तेज घूमता है, और हमारी जमीन का एक दिन 24 घंटे का होता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सन स्पॉट्स, इसका राइट आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने सन स्पॉट्स डिस्कवर किए थे। पार्सेक इज यूनिट यूज टू मेजर, इसका राइट आंसर है डिस्टेंस। पार्सेक डिस्टेंस का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसका राइट आंसर है जे जे थॉम्सन। वट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इसका राइट आंसर है न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है। स्कोटोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, इसका राइट आंसर है एडिंग द ब्लाइंड टू राइट। स्कोटोग्राफ एक आला है जो कि नबीना अफराद को लिखने में मदद फ्राहम करता है। सोलर सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसका राइट आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस की जानिब से सोलर सिस्टम, जिसे निजामे शमसी भी कहते हैं, दरियाफ्त किया गया था। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।